एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब। तो आज हम देखने जा रहे हैं शर्लॉक दीदी डज द क्रेजीएस्ट माइंड ट्रिक एवर। ओके, शी रिवील्ड माय गर्लफ्रेंड। और ये वीडियो है ट्रिगर्ड इंसान भाई, शी रीड माय माइंड। मतलब क्या, मतलब दिमाग पढ़ लेती है लग तो रहा है, क्योंकि माइंड ट्रिक यहाँ पे बोल रहे हैं। और ये वीडियो है ट्रिगर्ड इंसान, सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। मुझे आपका नाम पता है। Oh my God! इनको मेरा नाम पता है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? आपका नाम पता है। कैसे? Hello guys, welcome back to another video. And आज की वीडियो में अगर तुम लोगों को याद होगा, आज से 2-3 वर्ष पहले हमने एक ऐसी मैडम पे वीडियो बनाई थी। अच्छा? जो बहुत ही कमाल की माइंड ट्रिक्स करती है। नहीं नहीं नहीं, वो वाली दोस्तों वाली आंटी नहीं, ये शायद उनकी बेटी है। इन पे भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है एंड शी इज बैक। इनके चैनल पे जाओगे तो तुम देखोगे। ये मेरा नाम बता सकती है, मेरी लवर का नाम बता सकती है, मेरे मम्मी पापा का नाम बता सकती है, मेरी उम्र बता सकती है, इनको सब कुछ। बस इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, मेरे को एक बात बोलनी थी, बहुत ऐसा ना दिल में रख के बैठा हुआ, तो बोल देता हूँ, मन हल्का हो जाएगा। कुछ भी कर लो तुम इस दुनिया में, तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो। जब मैं शक्ल वाली वीडियो बनाता हूँ तो भाई यार पुरानी वाली फीलिंग नहीं आती, ओल्ड ट्रिगर्ड इंसान का है। वो जो फेसलेस वाली वीडियोस बनाता था, हमको तो वही चाहिए। तो मैंने पिछली वाली वीडियो बिना फेस के बना दी, तो उसमें भाई यार मजा नहीं आया, आपने अपनी शक्ल तो दिखाई ही नहीं, हमें तो आपको देखना है। मैंने कहा चल ठीक है, अब आज मैं शक्ल दिखा रहा हूँ। तो भाई यार फेसलेस वाली वीडियो नहीं बनाई, पुराने वाले सेटअप में कब तक बैठे रहोगे? तो मैं अगली वीडियो नए सेटअप में बना लूंगा। तो भाई यार ओल्ड इज गोल्ड, ये नए सेटअप में मजा नहीं आ रहा, पुराना ही सही है। अरे कुछ भी कर लो भाई, लोग खुश होते ही नहीं है यार। अच्छा छोड़ो, ठीक है वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। इतनी ज्यादा टफ है क्या? कुल मिलाकर 6 स्टेप कर ही लेता हूँ। और तो मैं भी। अच्छा जी, स्टेप 1। स्टेप नंबर 1। ओके, सबसे पहले आप आपके स्पेलिंग में कितने लेटर्स हैं वो गिन लीजिए। NIST4Y 7। गंदी एक्टिंग करता है यार तू। मेरा नाम रेशमा है, मेरे स्पेलिंग में R E S H M A। मैडम के स्पेलिंग में 6 लेटर हैं और मेरे स्पेलिंग में 7। इसका मतलब हम दोनों के नेम के स्पेलिंग्स में 1 लेटर का डिफरेंस है। मार पड़ेगी मेरे को। आपके स्पेलिंग में कितने लेटर्स हैं वो गिन लीजिए और उस नंबर को याद रखिए। 7 7 7 7। मैं जल्दी भूल जाता हूँ इसलिए बार बार बोलना पड़ेगा। 7 7। अगर आपके स्पेलिंग में A E I O U इसमें से कुछ भी आता है, 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 समझ नहीं आया, सॉरी सॉरी, सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। स्पेलिंग में A E I O U इसमें से कुछ भी आता है, तो आपके स्पेलिंग्स के लेटर्स का जो नंबर था उसमें 5 मिलाइए। A E I O U में से कुछ भी आता है, मेरे स्पेलिंग में I भी आता है, A भी आता है, तो 5 ऐड करना है या 10 ऐड करना है? इंस्ट्रक्शंस नॉट क्लियर प्लीज। नहीं आता है तो 8 मिलाई। आई हाईली डाउट कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी होगा जिसके नाम में एक भी वावल ना हो, मतलब ए ई आई ओ यू में से कुछ तो होगा ही, अनलेस तुम्हारा नाम नहीं ऐसा यार कुछ भी रखूं मैं। ऐसे दुनिया में कोई है जिसके स्पेलिंग में एक भी वावल नहीं है? पॉसिबल ही नहीं है, वावल के कोई नाम बन ही नहीं सकता, अनलेस तुम्हारा नाम XY150730 अल्फा बीटा गामा, वो एलन मस्क ने जो अपने बेटे का नाम रखा है। स्टेप नंबर 3, अगर आप पुरुष है तो जो टोटल आई है उसे 2 से गुणा कीजिए, यानी मल्टीप्लाई कीजिए। 7 + 5 = 12 × 2 = 1, 2, 3, 4, 24। बहुत गंदी एक्टिंग करते हैं भाई। भाई इतनी गंदी एक्टिंग करते हो, शर्म नहीं आती। और अगर महिला है तो 4 से गुणा कीजिए। और अगर महिला पुरुष दोनों ही नहीं है तो किससे करें? बताया ही नहीं। अगर आप पुरुष है तो टोटल में से 4 निकालिए और अगर महिला है तो 8 निकालिए। ओके 20 हो गया। अब स्टेप नंबर 5, अगर आप पुरुष है तो टोटल के 2 भाग कीजिए और अगर महिला है तो 4 भाग कीजिए। 10 हो गया। स्टेप नंबर 6, दोस्तों यह लास्ट स्टेप है। अब आपको
टोटल में से आपके स्पेलिंग के लेटर्स का जो नंबर था उसे घटा देना है, यानी माइनस करना है। अब दीदी बोलेंगी इसके बाद क्या एक स्क्रीन पे मैं एक चार्ट दिखा दूंगी, वो नंबर के सामने आपका तो नाम का फर्स्ट लेटर लिखा होगा, तो बधाई हो, मुबारक हो। अब माइनस करने के बाद आपके पास जो नंबर है उसे स्क्रीन पर देखिए, उसके आगे आपका नाम होगा। अच्छा नाम होगा, थ्री के आगे एन होगा, वही तो। थ्री के आगे इंडियन है, इंडियन हाँ ना, भारतीय, सबका थ्री आया है, मेरा भी सेम आया है, वेरी नाइस। कट गया भाई, हमारे सिर्फ एक ही पहचान है कि हम भारतीय है। आप मानते हैं कि आपका नाम भारतीय है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। भारतीय हूँ पर मेरा नाम भारतीय नहीं है दीदी, अगर कोई भारत के बाहर से देख रहा है तो वो कैसे भारतीय तो मैं नहीं हूँ। और मैं ऐसा लग रहा है ये पहले भी हो चुका है, 3 साल पहले भी यही सेम ट्रिक, यही सेम रिजल्ट। ये दीदी मेरे को लगता है फालतू की वही ट्रिक्स री अपलोड करती रहती है, कुछ असली में इनको कुछ आता वाता है। अच्छा तो अब ये दीदी जो है ये मेरे लवर का नाम बता सकती है। आज मैं जनरल मैथ कैलकुलेट का यूज करके आपके लवर के नाम का फर्स्ट लेटर बताने वाली हूँ। चलो यार देखते हैं। यार कितनी गंदी एक्टिंग करता है, बस कर जा। स्टेप नंबर वन, दोस्तों इस चार्ट को अच्छी तरह से देखिए और okay. आपके लवर के नाम का फर्स्ट लेटर, अच्छा आपके लवर का नाम क्या ले यार, उसके आगे का नंबर ले लीजिए। इस वीडियो के पर्पस के लिए ओनली हम अपने लवर को बुलाएंगे रसमलाई। तो पहला लेटर अच्छा, हो गया आर और आर के सामने है वन। ओके स्टेप टू, स्टेप नंबर टू, दोस्तों आपने आपके लवर के नाम के फर्स्ट लेटर के आगे का जो नंबर लिया था उसमें प्लस कीजिए, यानी जोड़ दीजिए। वन प्लस 20 is equal to 1 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और फिर एक और आगे तो 21। ये 21! ओके थैंक यू भाई। यार मैं कर जाना कितनी ओवर एक्टिंग है। और नहीं तो क्या है, सच में लग रहा है। स्टेप नंबर 3, 20 प्लस करने के बाद आपका जो भी जवाब आया है उसमें से एक माइनस कर दीजिए, यानी घटा दीजिए। इसके लिए तो मेरे को बहुत भारी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। 21 माइनस 1, तो 20 में से एक गया तो ये हो गया 21 और एक कम, विच इज इक्वल टू 21 1 20, तो आंसर आई थिंक हो गया 20 20। यस 20 भाई, यार बस कर जा, मार दूंगा मैं तेरे को, कितनी गंदी एक्टिंग करता है। मेरे को नहीं आती कैलकुलेशन, मैं बहुत कमजोर हूँ, सॉरी भाई मैं से गलती हूँ भाई। स्टेप नंबर 4, एक माइनस करने के बाद आपका जो भी जवाब आया है उसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी गुणा कीजिए। 20 into 3 3 0 0, 3 2 6 60। अब नहीं करूंगा फालतू एक्टिंग। दोस्तों यह लास्ट स्टेप है, आपका जो भी जवाब आया है उसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी गुणा कीजिए। 60 into 2 120, कर दिया। रिजल्ट टाइम, ओके अब रिजल्ट का समय आ गया है। आपका जो भी जवाब आया है उसे इस चार्ट पर देखिए, उसके आगे का जो लेटर है वो आपके लवर के नाम का फर्स्ट लेटर है। 120 ये सब कैलकुलेटर है, वही तो सब कुछ ऑलरेडी। यार तू कसम से मेरे से मार खाएगा, ले तेरी वीडियो डिसलाइक मार रहा हूं मैं इसी बात पे। अभी मैं तुम लोगों से एक ट्रिक करवाता हूँ, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर सोच लो, उस नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, अब उसमें 2 ऐड कर दो, अब उसमें 3 ऐड कर दो, अब उसमें से 5 माइनस कर दो। अगर तुम्हारा नंबर 0 है तो अभी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। कुछ ना बता सकती मैडम, 3 साल बाद वही पहली कक्षा वाली ट्रिक्स करवा रही है। खैर अपने को क्या है, अपने लिए तो कंटेंट है। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। नहीं अभी भी आधे लोग कहेंगे भाई वो वाला मजा नहीं है, शक्ल के बिना ही वीडियो बनाया करो, नए सेटअप पे वीडियो बनाओ भाई, कुछ और बोलने वाले वीडियो बनाओ लो तुम्हारे लिए, वो भी कर दूंगा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, थैंक्स फॉर वाचिंग। भाई यार तू तो कसम से एक नंबर का नमूना है। ये तो है, नमूना तो है यार, इस वीडियो में बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई है ट्रिगर की। मैं तो
सह लेती हूँ थोड़ा ओवर एक्टिंग हुआ था, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया आज के वीडियो में। और ये ट्रिक्स की बात किया जाए, वो दीदी जो है, दीदी आंटी जो कोई भी यार, वो सिंपल से मैथ कैलकुलेशन है, अगर कोई भी उसे करेगा ना उसका आंसर वही आएगा, इट्स लाइक वेरी सिंपल। ठीक है, सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज़ फॉलो दैट। थैंक यू।